इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने की प्रेस वार्ता। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नोएडा चैप्टर ने 28 दिसंबर 2022 को फॉर्च्यून होटल में एक गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें आईआईए के विभिन्न चैप्टर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मोदीनगर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर से लगभग 150 उद्यमियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव बंसल ने बताया कि प्रदेश सरकार प्रदेश में निवेश के लिए कार्यशील है। प्रदेश में नई औद्योगिक नीति उद्योग को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। उन्होंने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि विदेशी निवेश के अलावा प्रदेश में कार्यरत उद्यमी भी नई इकाई लगाने में इच्छुक हैं। गौतम बुद्ध नगर से आईआईए के सदस्य उद्यमियों ने 1000 से 1500 करोड़ का निवेश करने की इच्छा जाहिर की। इस विषय पर आईआईए नोएडा के चैप्टर चेयरमैन मनीष गुप्ता ने सरकार से आग्रह किया कि उद्योग को उचित दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस रविशंकर चब्बी, विशिष्ट अतिथि जिला उद्योग केंद्र के सहायक आयुक्त श्री सचिन एवं कार्यक्रम के प्रायोजक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री जय साहनी, जनरल मैनेजर तथा उनकी टीम ने उद्यमियों को सस्ती तथा आसान शर्तों पर ऋण के बारे में बताया। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस रविशंकर चब्बी ने बताया कि साइबर क्राइम आज एक बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन बैंक से फ्रॉड करके पैसे निकल जाते हैं। इस विषय पर नोएडा पुलिस ने उद्यमियों को बताया कि किस तरीके से साइबर क्राइम से बचे। पुलिस आयुक्त ने मौजूद सभी को आश्वस्त किया कि नोएडा पुलिस शहर में कानून व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी उद्यमी अपने उद्योग को बेखौफ होकर चलाएं। क्या मुद्दे हैं इसके? देखिए, ये आज एक कार्यक्रम है जिसके अंदर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, एक एमएसएमई संस्था जो पिछले 37 वर्षों से प्रदेश के उद्योगों के उत्साह और उत्थान के लिए कार्य कर रही है, उसमें नोएडा चैप्टर और हमारे आसपास के सभी चैप्टर्स के उद्यमी आके दो विषय पे हम लोग मेनली आज बातचीत करना चाह रहे हैं। एक है साइबर क्राइम, क्योंकि साइबर क्राइम दिन पे दिन समस्या बढ़ती जा रही है और हमारे उद्योगपति किसी ना किसी हिस्से में नुकसान उठा जाते हैं, तो हमारे को जिले के जो पुलिस कमिश्नर हैं और उनके अधिकारी हैं, वो आज आके हमें समझाएंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट आज का है कि इन्वेस्टमेंट यूपी, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट फरवरी माह में लखनऊ में होने जा रही है, उसके विषय में जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी हमें ये समझाएंगे कि किस तरह हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने उद्योगों को बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं या नए उद्योग लगा सकते हैं। सदस्य हैं उनका, हमने उनका, हमारा इसका ऑब्जेक्टिव उनका स्वागत करना है कि वो यहाँ पर आके आईआईए के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके और इसके द्वारा मिलने वाली जितनी भी हमारी सेवाएं और सुविधाएं हैं उनका उनका फ़ायदा उठा सके। उसी उपलक्ष्य में, उसी कड़ी में आज हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी इन्वाइट किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आके अपनी फाइनेंशियल आर्थिक नीति और जितनी भी उनकी लोन की या जो भी कुछ उनकी जो जितनी भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में वो यहाँ दे सकते हैं। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का सेक्रेटरी नोएडा चैप्टर है। हमारी जो संस्था है आईआईए, वो हमारी लखनऊ से चलती है। लखनऊ हमारा मेन जहाँ से हमारी ये शुरू होती है और हमारे पूरे 75 जिलों के अंदर, हर जिले के अंदर हमारी संस्था का एक चैप्टर है, उसमें नोएडा एक हमारा चैप्टर है। हमारे टोटल आईआईए के अंदर 12,000 से ऊपर मेम्बर है पूरे यूपी के अंदर। हमारा नोएडा चैप्टर का आज इकट्ठा होने का उद्देश्य ये है कि हमारी जो जीबीएम हम लोग करने जा रहे हैं, वो हमारी एक तो साइबर क्राइम के ऊपर हो रही है और दूसरा हमारा जो है इन्वेस्ट यूपी इन्वेस्ट, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो कही भी है, तो उससे रिलेटेड हम लोग करने जा रहे हैं। तो आज उसका हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, उसके लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक यू। गुड इवनिंग। टुडे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम to showcase our products and services. Central Bank of India, as you are all aware, is an old bank with 111 years standing, and we are offering various products and services, particularly for the MSME sector. So today we will showcase all those products for the benefit of our MSME entrepreneurs, and look forward to have a very mutual rewarding relationship with the industry people here in Noida. So look forward to that, and our people will present our various products and services we are offering. We have so many new products and services for MSME sector. All those will be
shared and the details will be shared, and I'm quite hopeful that this relationship will develop and it will be mutually rewarding relationship for all of us.